हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आपका फिर से स्वागत है रोजगार इंडिया यूट्यूब चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आई नई वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी किन पोस्ट पर निकाली गई है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को स्किप ना करें। चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक जरूर कर दें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये वैकेंसी फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए निकाली गई है। दूसरी जो पोस्ट है वो है एलिट कैडरे अंडर फिशरी डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो आपका पे स्केल यहाँ पर 30,000 से लेकर 1,10,000 तक का यहाँ पे स्केल देखने को मिल रहा है। क्वालिफिकेशन इसमें आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी गई है, आप ग्रेजुएशन के बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें, जो कैंडिडेट 21 साल से लेकर 38 साल के बीच में आते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन ही इसमें यहाँ पे आवेदन करना होगा, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 22 सितंबर 2022 इस फॉर्म की लास्ट डेट है, उससे पहले पहले जाके इसमें आवेदन जरूर से कर दें। अब आपको लेकर चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां जाकर आपको बताएंगे कि ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे कैसे डाउनलोड करना है, इसमें कैसे अप्लाई करना है, पूरी जानकारी आपको वीडियो में आगे मिलने वाली है। तो चलते हैं, लेकर चलते हैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम असम पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इस साइट का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से क्लिक करके सीधा इस पेज पर यहाँ पर आ सकते हैं। अब बात करते हैं आपको नोटिफिकेशन यहाँ से कैसे डाउनलोड करनी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, आपको इसी ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक यहाँ पर नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा, पहला ही नोटिफिकेशन है। आपको यहाँ पर सिंपली इसे डाउनलोड कर लेना है। इसे डाउनलोड हमने यहाँ पर कर लिया है, तो चलते हैं आपको लेकर चलते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, वहां जाकर आपको पूरी जानकारी देंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आपको इसमें ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पर करना होगा, दी गई ऑफिशियल साइट पर जाकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट की, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये वैकेंसी फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर एंड एलिट कैडरे अंडर फिशरी डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 32 टोटल पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए एंड एलिट कैडरे अंडर फिशरी डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर टोटल पोस्ट 32 निकाली गई है। अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पर डिवाइड की गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए और इसमें अप्लाई कर दीजिए। बात करते हैं यहाँ पे आपकी सैलरी की, सैलरी आपकी यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अपना पे स्केल मिलेगा, प्लस ग्रेड पे मिलेगा, प्लस अदर अलाउंस यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। 30,000 से लेकर 1,10,000 तक की सैलरी आपको मिलेगी, प्लस 12,700 का ग्रेड पे आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जो कि काफी स्मार्ट सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एजुकेशन की बात करते हैं, इसमें आपकी एजुकेशन क्या मांगी गई है, BFSC की आपके यहाँ पर डिग्री मांगी गई है, आप देख सकते हैं। बाकी अदर भी दिखाया गया है, आप एक बार से रीड जरूर कर लीजिए। और आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं आपकी एज की, इसमें आपकी एज कितनी मांगी गई है, तो इसमें आपकी मिनिमम एज 21 साल यहाँ पर मांगी गई है, मैक्सिमम एज यहाँ पर 38 साल है। एज में यहाँ पर रिडक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, अपर एज में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर देख लीजिए। और आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं इस फॉर्म की स्टार्टिंग डेट की, तो ये फॉर्म 22 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं और 29 अगस्त 2022 तक ये फॉर्म यहाँ पर चलने वाले हैं, तो उससे पहले पहले जल्द से जल्द जाके इसमें आवेदन कर दीजिए। अब इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और EWS वालों के लिए यहाँ पर ₹250 एप्लीकेशन फीस है, इनकी ₹30 यहाँ पर प्रोसेसिंग चार्ज लगाया गया है, 18% की यहाँ पर GST है, ₹5.40। टोटल अमाउंट आपकी होगी यहाँ पे ₹285.40, यहाँ पर आपकी टोटल अमाउंट है। SC ST OBC वालों के लिए बात करते हैं तो ₹150 एप्लीकेशन फीस है, ₹30 यहाँ पर प्रोसेसिंग चार्ज है, 18% के यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स है आपके यहाँ पर, तो टोटल अमाउंट ₹185.40 आपके यहाँ पर टोटल अमाउंट है। BPL वालों के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस नहीं है, ₹30 यहाँ पर प्रोसेसिंग चार्ज है, ₹5.40 का यहाँ पर आपका टैक्स है और ₹35.40 टोटल अमाउंट यहाँ पर है।
पीडब्ल्यूडी वालों के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस नहीं है, 30 रुपए ओनली यहाँ पर प्रोसेसिंग चार्ज है। टैक्स है आपका यहाँ पर 5 रुपए 40 पैसे का, 35 रुपए 40 पैसे आपकी टोटल अमाउंट यहाँ पर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है यहाँ पर है 24 सितंबर 2022 है, तो उससे पहले पहले आप इसमें फीस जमा करवा दीजिए। बात करते हैं इसमें आपको हाउ टू अप्लाई, अप्लाई इसमें आपको कैसे करना है, तो दी गई ऑफिशियल साइट पर जाकर आपको इसमें आवेदन यहाँ पर करना होगा। इस साइट का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिखाया गया है आपके डॉक्यूमेंट्स का, आपको डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पर पिक्सल क्या रखना है, साइज कितना रखना है, पूरी चीज आपको यहाँ पर दिखाई गई है। आप एक बार इसे रीड जरूर कर लीजिए, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अप्लाई करने से पहले एक बार रीड जरूर कर लेना है इसको। और आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। यहाँ पर आपको इनका यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा, अगर आपको कोई भी दिक्कत इसमें आती है तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप इनकी अपनी दिक्कत बता सकते हैं, आपकी दिक्कत यहाँ पर सॉल्व कर दी जाएगी। टाइमिंग यहाँ पर दिखाई गई है 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, ऑल वर्किंग डेज यहाँ पर देख सकते हैं आप। और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये जो वैकेंसी है यहाँ पर आसाम के लोगों के लिए यहाँ पर निकाली गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं जो आपको इंटरव्यू के समय यहाँ पर ले जाने होंगे, देख सकते हैं। आपके यहाँ पर 10th क्लास की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, जो भी आपके यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा है आपको वो सब यहाँ पर ले जाना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले जाना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट अपना यहाँ पर ले जाना होगा, सारी चीज यहाँ पर दिखाई गई है। आप इन चीजों को यहाँ पर नोट कर लीजिए, एक चीज में जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर इंटरव्यू के समय लेकर जाने हैं। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनकी दी गई ऑफिशियल साइट पर जाकर यहाँ पर विजिट कर लीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ, किसी नई वीडियो में किसी नए जॉब के साथ। ऐसे ही चैनल पर बने रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है, हम सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ से करेंगे। धन्यवाद।